दोस्तों, अगर एक्सेल के अंदर आप अगर कोई रो डालना चाहते हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, तो अगर आप मैनुअल करना पड़ता है आपको, उसमें बहुत सारा टाइम आपका लग जाता है। जैसे मुझे यहाँ पे एक रो डालनी है, तो आप राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद राइट क्लिक करके इंसर्ट करते हैं, फिर आपको दूसरा डालने के लिए राइट क्लिक करेंगे और इसी प्रकार से इंसर्ट करेंगे। ऐसे करके एक एक करके आप करते हैं, तो आपको मान लो 10 रो ऐड करनी है, तो उसमें आपको बहुत समय लग जाता है। तो इस समय को बचाने के लिए इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है वो देख लीजिएगा। आज एक नई ट्रिक मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, जिस भी रो के नीचे आपको ब्लैंक रो चाहिए, खाली रो चाहिए, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिएगा मुझे यहाँ चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, पूरी रो सेलेक्ट हो जाएगी। अगर मुझे यहाँ पे करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे रखा, अब इसके नीचे मैं लेना चाहता हूँ रो, तो क्या करेंगे, अभी शिफ्ट दबाए रखेंगे अपने कीबोर्ड से, और जब यहाँ पे आएंगे तो देखिएगा यहाँ पे क्रसर कुछ और होता है, यहाँ कुछ और होता है। थोड़ा सा इधर करेंगे तो डबल लाइन आएंगी, इस पर आपको दिख रहा होगा डबल लाइन आएगी। अब आपको इसको क्या करना है, नीचे की ओर ड्रग करना है, जितने आप लेना चाहते हो, 3 4 5 जितनी लाइन ब्लैंक लेना चाहते हो, जितनी भी रो उतना सेलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। ये देखिएगा उसके नीचे की जो रो है ब्लैंक रो आपके आ जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, गुड डे।